ये स्पीति के मजे लिए जा रहे हैं यहाँ पे, और स्नोफॉल हो रही है ऊपर बहुत तेजी से, और हम यहाँ डांस कर रहे हैं हमारी जिमनी के साथ। गाइस अभी नाको पहुंच गए हैं, ये खड़ी है हमारी जिमनी, और कितना खतरनाक स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे। ओए होए होए होए, बहुत बुरी हालत है। बहुत ही स्नोफॉल आ रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रिकांगपियो, और ये है मायोकिम होम स्टे जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है, और मैं आपको अपने बालकनी से जो व्यू दिखा रहा हूँ देख लीजिए, बहुत ही शानदार व्यू है। ये देखिए सामने मोनेस्ट्री है, ये स्नोफॉल हुई पड़ी है कल रात की, ये सारी माउंटेन्स है, ये पूरी माउंटेन है और स्नोई पीक है ऊपर, पूरी स्नो पड़ी हुई है। और कल हम यहाँ पे सोए थे, ये हमारा रूम, एक रूम दो रूम, और सूरी साहब लग गए हैं अपनी ड्यूटी पे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं, आमलेट बना दिया है, ब्रेड सेक दिए हैं, और कॉफ़ी बन गई है। ओए होए होए होए, बल्ले बल्ले हो गया है। ये हमारा किचन पूरा सेटअप साथ लेके चल रहे हैं हम, तो ब्रेकफास्ट हम अपने आप ही तैयार कर रहे हैं, कल भी हमने तैयार किया था, आज भी हम तैयार कर रहे हैं। और कल मैं यहाँ पे सोया था, और व्यू बहुत शानदार है। प्लान ये है, बस अब सब नहा रहे हैं, और नहा धो के सब रेडी हो जाएंगे, फिर इसके बाद निकल जाएंगे सीधा काजा की तरफ। आज पहुँचेंगे काजा, और बीच में हम दिखाएंगे आपको नाको, ताबो और फिर काजा। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, ब्रेकफास्ट करके बस रेडी हो जाते हैं। तो हम अब पैकिंग कर रहे हैं अपनी जिमनी में सामान की। ये हमारी जिमनी खड़ी है, और हम लेके आए हैं अपना सामान, ये रख। तो ये पैकिंग हो गई है, जिमनी फुल हो गई है हमारी लगेज से। ये देखिए छत पे, अरे रिमोट खराब हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन? हाँ हाँ, आपने शायद दूसरे उनको किया, साहिल को। मेरे को किया पता नहीं यार, नहीं नंबर तो वही है। क्या हमको पड़ी नहीं बर्फ उसके बाद? हाँ बर्फ बर्फ उस टाइम रुकी, उसके बाद पूरी रात रुकी रही। तो गाइस ये है साहिल भाई जिनका होम स्टे है मौकिम, और रिकांगपियो में आए तो ये यहाँ पे आप स्टे करें। तो बताएं साहिल भाई यहाँ क्या है, मतलब कि स्पेशल देखने का? माउंटेन्स हैं एक तो, पीक्स हैं ये है, और इसके बाद कल्पा एरिया आता है। हाँ के लिए कल्पा से आगे रोगी एरिया आता है, रोगी। हाँ जी, उसके बाद तो खाली मंदिर है यहाँ पे देखने के लिए, मॉन्स्ट्री भी है एक। हाँ जी मॉन्स्ट्री है, बहुत टेम्पल है, और यहाँ जो मंदिर बने देवी जी के है, विष्णु भगवान जी का है, वो काफी सुंदर है सर। अच्छा तो आप अपना नंबर बता दें। जी मेरा 8580751302। तो ये भाई का नंबर है, इसको कॉल करके आप आ सकते हैं यहाँ पे। ये सामने मौकिम कैफे रूम्स, बहुत अच्छे रूम्स है, चीप एंड बेस्ट। तो गाइस आपको 360 व्यू दिखा देते हैं यहाँ का पूरा, तो बताएं अब। सबसे पहले ये यहाँ सामने वो जो गांव है, ये बारंग गांव। अच्छा ये गांव जो नज़र आ रहा है बारंग गांव है। तो ये वाला पूरा एरिया किन्नौर कैलाश की रेंज है। अच्छा ये किन्नौर कैलाश की रेंज है पूरी, ये वाला जो टॉप है इस पे कैलाश शिवलिंग है, किन्नौर कैलाश शिवलिंग। अच्छा और यहाँ से नीचे तंगलिंग गाँव है, तंगलिंग। हाँ जी यहाँ से ट्रैक शुरू होता है। अच्छा वो दो दिन की यात्रा होती है हर साल 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में। अच्छा अच्छा तो ऊपर दर्शन करके लोग वापस ही आते हैं। बाकी ये वाला पोर्शन आता है पंगी। पंगी? हाँ जी। अच्छा जहाँ हम जाएंगे अभी? नहीं नहीं यहाँ से नहीं, आप जाएंगे काजा नीचे उतर के। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। ये वाला, और ये वाला आता है चखा कल्पा, ये ऊपर कल्पारा। अच्छा ये कल्पा ये पेड़ों के बीच से दिखे। हाँ ये मकान दिख रहे हैं जो मकान, ये कल्पा है, और ये कल्पा का टॉप है, ये चाखा बोलते इसको।
तो गाइस कल्पा भी देख लो, ये सामने है, कल हमने जाना था लेकिन जा नहीं पाए। ये सामने नज़र आ रहे हैं मकान, कैमरे में दिख नहीं रहे होंगे। तो ये कल्पा गांव है, ये टॉप पीक है कल्पा की, पूरी माउंटेन पीक्स हैं सारी। हाँ ये पूरा 360 व्यू है यहाँ से, रिकांग प्योर से सब कुछ नज़र आता है यार, मज़ा आ गया। और भाई का घर देख के तो यार दिल खुश हो गया, यहाँ स्टे करो मज़ा आ जाएगा, बहुत ही शानदार घर बनाया हुआ है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है लांबा जी, हमारे जाट ऑन व्हील्स, ये गुलाब सिंह जी, और ये पीछे हैं वेद भाई, और ये मैं आपका पुराना दोस्त, वही सफ़र वही रास्ते, मैं हूँ कैमरामैन इस जाट ऑन व्हील्स का। और अब हम यहाँ से रिकांगपियू से चलने लगे हैं 270 किलोमीटर दूर, जगह का नाम आपको ये बताएंगे, काजा। काजा तो काजा जा रहे हैं अब हम, काजा स्पीति, यहाँ से 270 किलोमीटर है, सफ़र जारी हो चुका है मॉर्निंग का, और हम रिकांगपियू से निकल चुके हैं। तो गाइस ये है रिकांगपियू जिसको हम अब छोड़ के जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे काजा में। और ये सामने माउंटेन है, यहाँ से कौन सा कैलाश था, किन्नर कैलाश के दर्शन होते हैं, और यहाँ से ट्रैकिंग भी चलती है। तो आपको ट्रैक करना है ऊपर, तो दो दिन का ट्रैक है, तो यहाँ से कर सकते हैं। और होम स्टे भी हमने बता दिया है, माऊ किम का मतलब होता है मेरा घर, होम स्टे। तो गाइस हम आगे हैं मेन हाईवे पे, अब हम लेफ्ट को मुड़ेंगे तो काजा रोड आ जाएगी। तो हम यहाँ से गए थे राइट को, ऊपर को, कंटिन्यू फॉर 81 किलोमीटर। ओके चलो, 5 घंटे 13 मिनट का रास्ता, तो 5 आवर 13 मिनट्स का रास्ता है, 202 किलोमीटर है काजा यहाँ से। क्लिफ एंगर के नीचे से निकल रही हैं हम, और ये टूवर्ड्स जो ताबू जा रही हैं, ये रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत छोटी सी सड़क है बट बहुत साफ सुथरी अच्छी बनी हुई है। ये सब क्लिफ एंगर है, आप देखिए ये क्लिफ एंगर के नीचे से निकल रहे हैं हम, ये चट्टान को काट के रास्ता बनाया गया है। ये देखिए ये जो ये पूरा ये चट्टान को, खड़ी चट्टान को काट के रास्ता बनाया है, ये देखो, ये देखिए ये जो खड़ी ऊपर बिल्कुल खड़ी चट्टान है, ये ऊपर हमारे ऊपर खड़ी चट्टाने हैं जिसे काट के रास्ता बनाया गया है, ये इसको क्लिफ एंगर बोलते हैं। छोटी सी सड़क के ऊपर पहाड़ को काटा गया और इसे बनाया गया, और ताकि यहाँ से लोगों को निकलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये देखिए ये पानी ऊपर से आ रहा है, और ये सड़कें बहुत ही बढ़िया बनी हुई हैं, छोटी छोटी सड़कें हैं, बहुत अच्छा रास्ता है। देखिए दोस्तों फिर नई चीज़ें दिखाने रहे हैं आपको, ये देखिए ये नदी है, ये नदी के साथ में ये हम ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, ये नया ब्रिज बनाया है, बहुत ही बढ़िया ब्रिज बनाया है गवर्नमेंट ने, जो उसको सबको आने जाने में आसानी रहे। और ये नीचे नदी है हमारे साथ साथ जो बह रही है, ये साथ साथ नदी बह रही है, और ये हम फिर आगे निकल चुके हैं, ये देखिए नदी, अब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे आ गए। अब पहले हम जो राइट साइड लेफ्ट साइड पे पहाड़ पे थे, अब हम राइट साइड पे आ गए। एक और नया ब्रिज, एक और नई खोज, ये क्या ब्यूटीफुल बना हुआ है, आप देख रहे हैं ये ऊपर बर्फ, ये सामने ब्रिज, और ये नदी बहती हुई, ये देखिए नदी बहती हुई, और ये हम बैठे हुए हैं, ये देखिए ये बाय बाय कर रहे हैं, और मैं भी कर रहा हूँ बाय बाय, ये पीछे ये हमारे दोस्त मित्र भी बैठे हुए हैं, ये देखिए ये पुल देखिए कितना ब्यूटीफुल पुल था यार। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अभी ब्रेक लगाई है, और ये देखिए ये मंदिर है, ये देखिए माता का मंदिर है, भोले शंकर भी बैठे हुए हैं, बीआरओ ने बनाया ये बीआरओ, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, ये देखिए। और अब हम फिर अपनी राह पे चल पड़े हैं, वही सूखे हुए पहाड़, ठंडा रास्ता, सूखी सर्दी, और टॉयलेट भी बना हुआ है यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, वो देखिए सामने बर्फ ही बर्फ, और वही संकीर्ण रास्ता, छोटा रास्ता, छोटी सी सड़क, और ये फिर आ गया देखिए क्लिफहैंगर, वेरी गुड वेरी नाइस। दोस्तों हम फिर वापस हैं, ये पूह जा रहे हैं हम, जो रास्ता ये पू का रास्ता जो है ये आपको दिखा रहे हैं, ये थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, बहुत ही छोटी सड़क है, 10 फुट की सड़क है, स्लाइड राइट लेफ्ट साइड से कोई दूसरा वाहन निकलने में, ये देखिए ये लिखा रहा है पू 11 किलोमीटर, पू 11 किलोमीटर है यहाँ से, ये छोटा रास्ता है, बहुत संकरी सी सड़क है, और
यहाँ पे जो सा है लेफ्ट साइड पे जो सा है कोई बाढ़ भी नहीं लगी हुई है और नीचे नदी बह रही है। ये एक छोटा सा ब्रिज आ गया है, क्रॉस करेंगे। देखिए ये सूखे पहाड़ हैं, बारिश हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है, माइनस में टेम्परेचर है और ये खड़े हुए हैं यात्री, ये देखिए। और इन्होंने हमें हाथ हिला के वो भी करा है कुछ, पता नहीं। अब ये देखिए ये कौन बैठा हुआ है, ये देखिए ये बैठा शेरू हुआ है, शेरू बैठा हुआ है। ये छोटी सड़क, छोटे रास्ते और पूरी दूर दूर तक सिर्फ एक ही गाड़ी नजर आ रही है, वो है जिमनी जाट ऑन भी। ये हम इस समय पू में पहुंच चुके हैं, ये देखिए ये पू का नज़ारा। ये बहुत ही बढ़िया जगह है। ये रास्ते में ताबू जाते हुए एक छोटा स्टेशन है जो आया अभी, इसका नाम है पू। ये आर्मी एरिया भी है यहाँ पे, ऊपर देखिए विलेजेस मकान बने हुए हैं, आर्मी भी पूरा है, ये पूरा आर्मी एरिया है। ऊपर गांव भी है, लोकल पब्लिक भी है, ये देखिए ये आर्मी के लोग हैं। ये पेट्रोल पंप, अरे वाह पेट्रोल पंप भी है पू में, बड़ा अच्छा लगा देख के। इसका मतलब किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्नोफॉल आती हुई, ये धीरे धीरे स्नोफॉल होनी शुरू हो गई है और अभी आपको थोड़ी देर में स्नोफॉल के नज़ारे दिखाएंगे। ये देखिए ये गधे भी हैं, डंकी, ब्यूटीफुल डंकी, वेरी स्मार्ट, वाओ। खाली 120 रुपए की है, लुंगटा गेट बोलते थे इसे, जो पीछे जगह गई है 120 रुपए की थाली लुंगटा गेट में मिलेगी, ध्यान रखिए। और ये देखिए सेब के पेड़ लगे हुए हैं, सूखे हुए हैं अभी, ये सेब के पेड़ थे जो आपको दिखाए हैं। ये टैंक है पानी का जो पड़ा हुआ है और ये सामने आप नज़ारा जो देख रहे हैं पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है। सब आगे पूरा स्नो, काजा तक स्नो हो रही है और आगे जैसे हम नाको की तरफ जाएंगे, ऊपर चढ़ाई करेंगे तो पूरी आपको स्नो मिलेगी। अब वो देखिए कैसे क्रॉस करते हैं, एक बार नाको क्रॉस हो जाए, ये दोनों प्राणी आपको बहुत, नाको क्रॉस हो जाए बस फिर सीधा काजा पहुंच जाएंगे। दोस्तों ये हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, खाप की तरफ जा रहे हैं, हम पो से हम खाप की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया रास्ता है, बहुत ही बढ़िया लोग हैं और पुलिस चेक पोस्ट आ गया है। तो आप उधर उधर नहीं एंट्री करा लेना, उधर एंट्री। तो ये देखिए बहुत बढ़िया रास्ता है, रास्ते में अभी ये पुलिस चेक पोस्ट है और पुलिस चेक पोस्ट पे हम जा रहे हैं एंट्री कराने के लिए और उसके बाद हम बाहर आएंगे। ये देखिए अब मैं बाहर आ गया हूँ तो मैं देख सोचता हूँ कि आपको थोड़ा सा नज़ारा भी दिखा दूँ। ये नेचुरल व्यू देखिए आप कितना अच्छा है। और ये पुलिस चौकी है यहाँ पे और इस तरफ से हमने फिर ब्रेक लिया है। ये देखिए ये एक संगम पॉइंट है, ये जो आप देख रहे हैं ये संगम पॉइंट है। ये देखिए बीच में ये नदी बह रही है सतलुज और ये ब्रिज है जो अभी बनाया है गवर्नमेंट ने, नया लोहे का ब्रिज है ये। और ये भी आप रास्ता देख के आप एकदम से मदहोश हो जाएंगे। अभी देखिए दोस्तों ये देखिए, अब मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये जिंदगी में आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगी चीज़ें। ये देखिए पूरी आइस स्नोफॉल हो पड़ी है, नाकों की तरफ हम जा रहे हैं और पूरे रास्ते में स्नोफॉल है, स्नोफॉल हो रही है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और हम भी अंदर पूरे मज़े ले रहे हैं, ये देखिए पूरे 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 मजे लिए जा रहे हैं। पीछे भी टीम बैठी हुई है और आगे भी, ये नाकों की तरफ से हो रही है। तो गाइस कंडीशन अभी नाको में ये है, रेड अलर्ट रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कर दिया है कि सेफ नहीं है बिल्कुल। और जितने भी मोड़ है उस पर शीशा बन गई है बर्फ़, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। और यहाँ पे बीआरओ के बंदे हैं तो वो मना कर रहे हैं भाई नहीं जाना, क्योंकि मोड़ बहुत तीखे मोड़ हैं और एक बार गाड़ी मोड़ी स्लिप होती जाएगी। स्नो चैन भी नहीं है हमारे पास, ये गलती होगी हमारे से। अगर स्नो चैन होती तो काफ़ी बेनिफिट मिलता, फिर तो हम निकल जाते धीरे धीरे।
और कितना खतरनाक स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे। ओए होए होए होए, बहुत बुरी हालत है। बहुत तेज स्नोफॉल आ रहा है दोस्तों। हम ये जगह है नाको, अब यहाँ से फोर लगा देते हैं, अंदर जा रहे हैं, चलते रहते हैं गांव के अंदर जा रहे हैं, शुरू में ही चल रहे थे और गांव में जा रहे हैं। 4x4 लगा लिए हमने, 4x4 की गाड़ी लगा ली है हमने और जा रहे हैं नाको विलेज के अंदर जाएंगे और वहीं पे नाइट स्टे करेंगे, एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखते हैं। अभी इस समय 4x स्लो चलानी है बिल्कुल गाड़ी। हो हो हो, तो गाइस हमने लिया है नाको में स्टे, आगे पीछे बंद हो गया है सारा। ये देखिए बर्फ, ये देखिए बर्फ, देखो बर्फ, भाई ने बर्फ देखनी थी। तो गाइस विदाउट स्नो चेन के कारण हम फंस गए हैं नाको में। यहाँ पे हम लगभग 12:30 बजे पहुँच गए थे और बहुत तेज स्नोफॉल हो रही थी और तेजी से हवा भी चल रही थी, जिसकी वजह से हम वहाँ पे स्टे कर लिया थोड़ी देर। हमने कहा थोड़ा मौसम साफ हो जाए, लेकिन मौसम ज़्यादा बिगड़ता ही गया और एक घंटे बाद रेड अलर्ट जारी हो गया है और वहाँ से जाने को मना कर दिया, कि क्योंकि जो नाला है वहाँ पे मलिंग नाला आगे है यहाँ से 4-5 किलोमीटर, वो सबसे डेंजरस पार्ट है हमारी पूरी ड्राइव का और राइडिंग में भी जब भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो स्टोन शूटिंग होती रहती है, दूसरा एक ढाल, एक तो सबसे ऊपर स्टीप ढाल है परली तरफ और स्टीप चढ़ाई है, दोनों वो उसी मलिंग नाला पे ही है। और वहाँ पे जो रोड वाले मिले थे BRO वाले, वो बोल रहे थे कल हम 11 बजे तक ये क्लियर कर देंगे, हम जो नमक होता है इनका नमक डाल के सब मतलब सेट कर देंगे रोड को। तो कल सुबह फिर हम निकलेंगे 10-11 बजे यहाँ से नाको से। अभी तक तो ये अपडेट है और अभी भी स्नोफॉल हो रही है। यहाँ से दिखाऊँ, आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये पूरा कांच पे बर्फ़ जम गई है पूरी। तो बस आज हमारा स्टे यहाँ पे नाको में और कल फिर हम जाएंगे काजा। तो ये अभी अपडेट है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा तो एक लाइक कर देना, और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड से वंदे मातरम, जय हिंद। और गाइस अगर आप 4x4 गाड़ी ला रहे हो तो अपने साथ में स्नो चेन जरूर रखना, बहुत इंपॉर्टेंस है इस स्नोफॉल में, बहुत ज़रूरी है।